पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। कल उसका उद्घाटन होना है। एक दर्शन विकसित किया गया कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अगर इस दर्शन से देश आजाद हुआ तो फांसी के तख्ते पर जिन भारत मां के सपूतों ने अपना बलिदान दिया, वंदे मातरम कहते हुए फांसी के तख्ते पर झूल गए, फिर उनके त्याग और बलिदान का क्या हुआ? विगत 70 वर्षों में कहीं न कहीं से समाज के सामने यह सत्य, यह तथ्य रखा नहीं गया। इस आजादी के 75वें वर्ष में जगह जगह एक अमृत महोत्सव, हर गांव हर व्यक्ति तक यह विषय पहुंचना है, उन वीर सपूतों को याद करना है, उनको स्मरण करना है। एक महीने तक यह कार्यक्रम 19 नवंबर से 16 दिसंबर तक यह कार्यक्रम चलना है। 16 दिसंबर 1971 में भारत माँ के सपूतों ने, भारतीय सैनिकों ने बांग्लादेश, पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान, 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण कराया था और शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। कल महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस है। कल इस अवसर पर अमृत महोत्सव पर्व का उद्घाटन होना है अपने विद्यालय परिसर में। 12 बजे उद्घाटन कार्यक्रम है। बाल भारतीय छात्र संसद के पदाधिकारी भैया बहन उपस्थित होंगे। हमारे समस्त आचार्य जी, प्रबंध समिति और अपने विद्वत परिषद मातृभारती के सभी माताएं बहनें उपस्थित रहेंगे। आप सब के माता पिता जी को भी आमंत्रण दे रहे हैं, वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। ये इतनी सी सूचना थी।